बैक टू माई चैनल। आप सब कैसे हो? और हैप्पी संडे टू ऑल ऑफ यू। तो आज मैं अपना ब्लॉग मॉर्निंग से ही शुरू कर रही हूँ, तो मॉर्निंग का 9 या 9:15 हो रहा था, और आज मैं आपके साथ अपना माइका ब्लॉग शेयर करूँगी। तो मेरा माइके का पहला दिन कैसा रहा? तो मेरा माइके का पहला दिन बहुत ही अच्छा रहा। तो मैं नहा कर रेडी, मतलब नहा ली हूँ, तो आरना के और मेरे कपड़े थे तो मैंने हाथ से ही वॉश कर दिए हैं, तो बस। और मौसम जो है ठीक ठाक सही था, तो मैं रेडी होने जा रही थी, फिर देखा कि मम्मी नाश्ता बनाकर लेकर आ गई हैं, तो हम बस नाश्ता कर रहे हैं। और जब भी मैं आपके साथ अपना मायके का ब्लॉग शेयर करती हूँ ना, तो इस तरीके से ही सुबह का नाश्ता हम इसी तरीके से ही साथ में बैठ कर करते हैं। अगर मैं नहीं होती हूँ ना यहाँ पर, तब भी इस तरीके से ही बैठ कर यहाँ पे नाश्ता करते हैं, और ये हमारे घर में शुरू से ही होता आ रहा है। जब मेरी शादी भी नहीं हुई थी ना, तब से ही ऐसा होता आ रहा है। और अब मैं जाऊँगी रेडी होने के लिए। बहुत गर्मी हो रही है, मौसम ठीक है, और आज है संडे, तो हैप्पी संडे टू ऑल ऑफ यू। और आज मैंने डाला है ये वाला सूट, और ये जो सूट है मैंने यहीं पर ही सिलवाया था घर पर, तो थोड़ा सा मुझे टाइट लग रहा है। मम्मी ने बोला एक बार डालकर देख कि ढीला है या टाइट है, बट मुझे थोड़ा टाइट लग रहा है, तो मैं उसको चेंज करूंगी थोड़ी देर में। थोड़ा सा मैं पहन लेती हूँ तो अच्छा लग रहा है। फर्स्ट टाइम मैंने ये सलवार टाइप का जो होता है ना, ये वाला मैंने डाला, मैं डालती नहीं हूँ, तो मैंने सोचा इस बार मैं ये वाला सिलवा कर देखती हूँ। अच्छा लग रहा है वैसे, बट थोड़ा टाइट है। और ये है इसका दुपट्टा। तो चलिए, मैंने बाकी आप सबको अपने घर से मिलवा दिया है सुबह। और ये है हमारे घर की चिल्ड्रन पार्टी, जो कि सब खेल रहे हैं, और बाकी सब अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। ये बस नहाने जा रही है। तो अब हम करने जा रहे हैं अपना लंच। कांगे लंच ये रहा, और बनाए भाभी ने पीले वाले चावल। हाय भाभी, हमारी भाभी को खाना बहुत अच्छा बनाती है। थैंक यू। हेलो। तो हम बैठे हैं भाभी वाले रूम में, और चलाएंगे टीवी और लंच करेंगे अपना अच्छे से, ठीक है? ओके भाभी, चलिए। आज हमारी बहुत खातिरदारी हो रही है। चलो हम लंच करते हैं आज, ठीक है? इवनिंग का टाइम हो गया है। दोपहर में खाना खाने के बाद ना थोड़ा सा बैठ गई थी, टीवी देख लिया था, बातें करने लगे, तो उस वजह से ना जो व्लॉग है मैंने कुछ शूट नहीं किया, मतलब कुछ बनाया नहीं। और शाम का टाइम हो गया था, तो सोचा कि चलो चाय बना लेती हूँ। भाई को मेरे हाथ की चाय अच्छी लगती है, तो वो हमेशा रोज़ रात को बोलता है मुझसे, जब बड़ा वाला जो भाई है वो हमेशा ही मुझसे बोलता है और रात को ही बोलता है, तो मैंने सोचा कि चलो रात को चाय नहीं पीते हैं अब, तो इसलिए मैंने शाम को बना दिया है। और बस अभी चाय करके लेकर जाऊंगी, और उसके बाद फिर हम चाय वगैरह पियेंगे। और जो भी शाम का जो भी रूटीन होता है वो आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूंगी जल्दी ही।
अपने मायके का कि किस तरीके से पूरा रूटीन शेयर करूँगी कि मैं किस तरीके से क्या क्या करती हूँ। तो चाय के थोड़े बहुत बर्तन थे, वैसे मैं चाय अभी लेकर नहीं गई हूँ, मैंने सोचा कि जो अभी जिसमें मैंने चाय बनाई है ना उसको मैं धो के रख देती हूँ। और ये मेरी हमेशा से आदत रही है, जब भी मैं पहले यहाँ पर थी शादी से पहले तब भी मेरी ऐसी आदत थी, और जब घर पर होती हूँ तब भी मेरी ऐसी आदत होती है। मैं सोचती हूँ कि पहले मैं इसको थोड़ा सा साफ़ कर देती हूँ, उसके बाद जाके मैं चाय पीऊँगी। कभी कभार बाई चांस ऐसा होता है कि पहले चाय पी लेती हूँ उसके बाद बर्तन साफ़ करती हूँ, पहले ऐसा होता है, कभी कभार ऐसा होता है, नहीं तो अदरवाइज़ मैं बर्तन के जो चाय के जो बर्तन है ना मैं ऐसे ही क्लीन करके रख देती हूँ। और फिर रात का टाइम हो गया था तो खाना वगैरह हमने खा लिया है, आपके साथ शेयर नहीं मतलब शूट नहीं किया मैंने कुछ भी, क्योंकि अभी पहला दिन है तो थोड़ा सा मैं सोच रही थी कि पहले सबसे बैठ के बात कर लेती हूँ, तो इस वजह से ना कुछ शूट नहीं किया। तो ये दोनों डांस कर रहे थे, गाना चल रहा था ना तो ये दोनों डांस कर रहे थे, सोचा कि चलो थोड़ी सी वीडियो उनकी बना लेती हूँ, उनकी मस्ती हो रही है। और देखिए यहाँ पर पूरे में बिस्तर लगाया हुआ है, हम सब यहीं पर ही सोते हैं, सारे इकट्ठे सोते हैं यहाँ पर। तो मतलब सोने से पहले मैंने अपना जो ब्रश होता है वो किया, फिर फेस वॉश किया, तो अब बैठ के अब क्रीम लगाऊंगी और जाऊंगी सोने के लिए, क्योंकि सिर में मेरे दर्द भी हो रहा है। और टाइम जो है ना ऐसे कितना टाइम हो रहा था, 10:30 के अराउंड हो रहा था। तो चलिए मैं जाऊंगी सोने के लिए, फिर थोड़ी सी आपसे बात करके फिर मैं सो जाऊंगी। आप सबको मेरा मायके का ब्लॉग कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। छोटा सा बनाया है तो अपना रूटीन भी मैं दिखाऊंगी कि मैं पूरे दिन क्या करती हूँ मायके में। और तो मैं मेरा मायके का जो व्लॉग था यही था, छोटा सा व्लॉग है बस, जल्दी ही आपके साथ मैं बड़ा सा व्लॉग शेयर करूँगी। तो चलिए फटाफट से अपना फेस का थोड़ा सा स्किन केयर करती हूँ और फिर थोड़ी सी बात करती हूँ आपसे और जाऊँगी फिर सोने के लिए। तो अब हम कर रहे हैं सोने की तैयारी, क्योंकि हमारा बिस्तर यहाँ लग चुका है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये सो रही है। श्वेता लेटी हुई है और टाइम हो गया है 10:45, 10:45 बजने वाला है। दोनों बच्चे सोए नहीं है, नीचे है, तो मैं अपना वीडियो का एंड भी कर रही हूँ और बस यही छोटा सा ब्लॉग आप सबके साथ शेयर किया है हमने। अब मैं मिलूंगी कल एक नए ब्लॉग के साथ, ठीक है? तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो आर ना श्वेता क्या करना चाहिए, लाइक करना चाहिए, शेयर करना चाहिए और सब्सक्राइब करना चाहिए, ठीक है? तो चलिए बाय बाय, गुड नाइट। भाभी तो फोन पे बात कर रहे हैं और भाई भी सोने की तैयारी कर रहा है, कल जाएगा ऑफिस। चलिए बाय बाय, गुड नाइट।